इसराइल ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल रहे इब्राहिम अकील को मार डाला है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक टारगेट अटैक किया, जिसमें हिजबुल्ला के शीर्ष सैन्य कमांडरों में से एक इब्राहिम अकील मारा गया। हिजबुल्ला ने इजरायली हवाई हमले के बाद शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील की मौत की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील के बारे में जानकारी देने वाले को $7 मिलियन तक का इनाम देने की भी घोषणा की थी। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कौन था हिजबुल्ला का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील, जिसे इसराइल ने ढेर कर दिया है। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का कोई आम कमांडर नहीं था, वो इसराइल और अमेरिका के हिटलिस्टों में से एक था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में स्थित अमेरिका दूतावास और यूएस मरीन बैरक के पास हुए दो ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता था। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दो लेबनानी सूत्रों ने हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर की मौत की पुष्टि की है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक ये स्ट्राइक ऐसे समय में की गई जब हिजबुल्ला की एलीट यूनिट रदवान की एक इमारत में मीटिंग चल रही थी और इब्राहिम अकील भी उसमें मौजूद था। 2019 में इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में भी शामिल किया गया था और उसके ऊपर $7 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ का इनाम रखा गया था। इब्राहिम अकील का जन्म 1962 में पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत में हुआ था। इब्राहिम अकील को हज अब्दुल कादर के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम हिजबुल्ला का एक वरिष्ठ कमांडर था जो 1980 के दशक में हिजबुल्ला की स्थापना के बाद से ही इसके साथ काम कर रहा था। इब्राहिम के बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वह अपने मिशन छिपकर अंजाम दिया करता था। हिजबुल्ला के ज्यादातर टॉप कमांडरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। जुलाई में मारे गए कमांडर फवाद शुक्र के बारे में समूह ने ज्यादा जानकारी बाद में दी थी। इब्राहिम 1983 में हुए ट्रक बम विस्फोटों के अलावा भी कई और मिशनों में शामिल रहा है। अमेरिका का आरोप है कि इब्राहिम ने 1982 और 1992 के बीच अमेरिकी और जर्मन नागरिकों के अपहरण करवाए, हालांकि हिजबुल्ला ने इन अभियानों में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया था। पिछले 40 सालों से इब्राहिम के संगठन में जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में होने के साथ साथ उसने समूह को एक मिलिशिया से लेबनान के सबसे शक्तिशाली सैन्य, आतंकवादी और राजनीतिक संगठन में बदलने में मदद की, जिसके लगातार हमलों ने 2000 में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान के तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र से हटने के लिए मजबूर किया और 2006 में हुई हिजबुल्ला इसराइल जंग में इसराइल को हार का सामना करना पड़ा।